तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे RCF के ओरिजिनल 18 इंच के स्पीकर, जो स्पीकर हमारा फ्राइड मैग्नेट में आता है, उसी स्पीकर के ऊपर वीडियो करेंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था RCF ओरिजिनल 1500 के स्पीकर का, न्यूडोनियम स्पीकर का वीडियो किया था। तो उस पर कमेंट आया है, प्रवण डीजे सर का कमेंट है RCF का IF18 491 फ्राइड मैग्नेट का वीडियो बनाइए। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो किया था वह पर मैंने दिखाया था न्यूरेनियम मैग्नेट स्पीकर का वीडियो। तो उसी वीडियो में कमेंट आया है कि फ्राइड मैग्नेट का भी जो स्पीकर आता है उसका एक बार वीडियो कीजिए। तो आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और RCF के ओरिजिनल स्पीकर का वीडियो बना रहा हूँ, तो प्राइस भी बताऊँगा लास्ट में, इसलिए प्राइस जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और एम्पलीफायर भी मैं दिखाऊँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्पीकर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा स्पीकर RCF का LF18X491। तो बात करें अगर स्पीकर के कुछ स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो स्पीकर का बास्केट साइज़ है 18 इंची 460 mm। इम्पीडेंस मिल जाता है स्पीकर में 8 ओम्स का। स्पीकर का पावर रेटिंग की अगर बात की जाए तो हमारा 1800 वाट AES पावर में आता है। प्रोग्राम पावर है इसका 3600 वाट। बात करें अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, तो 30 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक दिया है फ्रीक्वेंसी। बात करें अगर सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी मिल जाता है 97.5 dB का। वॉइस कॉयल मिलता है इस स्पीकर में 4.5 इंच का वॉइस कॉयल। और बात करें अगर वॉइस कॉयल वाइंडिंग डेप्थ की, तो 1.33 इंची दे रखा है यहाँ पर। और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बात करें अगर वॉइस कॉयल मटेरियल की, तो कॉपर का वॉइस कॉयल मटेरियल दिया है इसमें। और स्पीकर का मैग्नेट है फ्राइड मैग्नेट में, और स्पीकर का वेट हमारा 18 kg के अप्रोक्स हो जाता है। तो स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता भी दिया है, और आप भी अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी स्पेसिफिकेशन अच्छे से देख सकते हैं। तो बात करें अगर स्पीकर के पावर की, तो हमारा एक एक स्पीकर 1800 वाट के AES पावर के साथ आता है। और इस AES को अगर RMS में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 1340 के अप्रोक्स हो जाता है। तो आप इसको अप्रोक्स 1300 वाट भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर स्पीकर हमारा कितना वाट के एम्पलीफायर के साथ चलेगा, तो चलिए मैं अच्छे से दिखाता हूँ दो स्पीकर के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर लगेगा और चार स्पीकर के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर लगेगा। तो हमारा एक एक स्पीकर आता है अप्रॉक्स 1300 वाट के RMS पावर के साथ। तो आपको यहाँ पर एम्पलीफायर चाहिए होगा कोई भी 5000 वाट का एम्पलीफायर, जिसमें 8 ओम्स पर चैनल 1300 से लेकर 1500 वाट का आउटपुट मिलता है। ऐसा एम्पलीफायर लीजिए जिसमें 8 ओम्स पर 1300 वाट से लेकर 1500 का आउटपुट मिलता है, वैसा एम्पलीफायर चाहिए होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर MT1201 एम्पलीफायर आप ले सकते हो, उसमें 8 ओम्स पर मिल जाता है 1300 वाट का आउटपुट, तो आप उसमें ही चला सकते हो, 1350 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो आप एक एक चैनल में एक एक स्पीकर MT1201 में आराम से चला सकते हो। और चार स्पीकर चलाने के लिए आप ले सकते हो MT1601, उसमें आप एक एक चैनल में दो दो स्पीकर चला सकते हैं। और MT1601 में 4 ओम्स पर मिल जाता है 2250 वाट का आउटपुट, तो हमारा 2600 वाट हो जाता है, लेकिन आप MT1601 में चला सकते हो। या फिर डायनेटिक का V9000 जो एम्पलीफायर आता है, वो वाला एम्पलीफायर भी ले सकते हो, उसमें 4 ओम्स पर मिल जाता है 2600 वाट का आउटपुट। और हमारा दो स्पीकर अगर पैरेलल कनेक्शन करके एक चैनल में लगाएंगे, तो 4 ओम्स पर 2600 वाट ही हो जाएगा। तो आप डायनेटिक का V9000 भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। तो यहाँ पर दो दो एम्पलीफायर मैंने बताया है चार स्पीकर को यूज़ करने के लिए, तो आप कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हो। या फिर दूसरा एम्पलीफायर अगर लेना चाहते हैं, तो 4 ओम्स पर चैनल 2500 से लेकर 2600 वाट का आउटपुट वाला एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हो। तो लोड कैलकुलेशन तो हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी बात करें स्पीकर के अप्रोक्स प्राइस की, तो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉलर में 610.95 है डॉलर में इसका प्राइस। तो इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें, तो अप्रोक्स हमारा हो जाता है 45,700 रुपये इंडियन रुपीज़ में। 45,700 है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्पीकर अच्छा है, चाहे तो ख़रीद सकते हैं। अगर आपको सर्विस अच्छा मिलता है तो एक बार ख़रीद के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पीकर है।
तो बस वीडियो आई होप अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही साउंड से रिलेटेड एंड डीजे साउंड से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल एक और नया इंटरेस्टिंग फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।